बक्सर में अपराधियों का मनोबल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक वारदात को अंजाम देकर अपराधी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, तो वहीं पुलिस के लिए भी चुनौती बन रहे हैं। ताज़ा मामला नावानगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक किराना व्यवसायी को अपराधियों ने लूट के दौरान गोली मार दी। अपराधियों ने किराना व्यवसायी को 2 गोलियां मारी और उनसे 4 लाख रुपये लूट कर बड़ी आसानी से फरार हो गए। व्यवसायी के मुताबिक वह तगादा का पैसा कलेक्शन करके वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान उनका पीछा कर रहे बाइक सवार अपराधियों ने पहले उनके बाइक में ठोकर मारी और उन्हें गिराने की कोशिश की। फिर अपराधियों ने उनका पैसा से भरा हुआ बैग छीन लिया और गोली मारकर मौके से फरार हो गए। घायल व्यवसायी के मुताबिक बाइक पर 2 अपराधी सवार थे, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। से आ रहे थे मलियाबाग से, वो लोग पीछा से आए, हमारे मोटरसाइकिल में लोग टक्कर धक्का मारने लगा, गिराने के चक्कर हम नहीं गिरे, अंत में हमारा बैग खींच लिया पीछा से, पीछा जो बैठा था उस गाड़ी पर। कितने लोग थे? 2 आदमी थे। वो लोग भी बाइक सवार थे? हम बाइक पर थे। बाइक छोड़ कर भाग गए। कितना पैसा था आपका? पैसा करीब 4-5 के बीच में लगभग। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल व्यवसायी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नावानगर में इलाज के लिए भर्ती कराया। चिकित्सकों ने व्यवसायी का प्राथमिक इलाज कराने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए अन्य जगह रेफर कर दिया। चिकित्सकों ने बताया कि व्यवसायी को 2 गोलियां लगी हैं और फिलहाल वह खतरे से बाहर हैं। इनको 2 गोली लगा है और अभी इनका इलाज कर दिया गया है, खतरे से बाहर हैं, कोई डरने की बात नहीं है। वहीं इस घटना के बाद घायल व्यवसायी के परिजनों ने पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। परिजनों ने पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही बताई है। परिजनों की मांग है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस को हम क्या माने, वहाँ पर प्रशासन एनी टाइम रहते हैं, आज वहाँ पर कोई लापरवाही था, कोई नहीं था वहाँ पर, हाँ इसको लापरवाही मानते हैं। पुलिस प्रशासन से हमको यही मांग है कि जो पैसा लेकर भागा है उसको पकड़े और हमारा पैसा दिलवाए। अभी नज़दीक में ही, अभी इधर उधर नहीं भागा है, नज़दीक में ही वे है छिपा हुआ। इधर इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस बाबत बक्सर SP उपेंद्रनाथ वर्मा ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। कुछ देर पहले एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को अपराधियों के द्वारा पैर में गोली मार दी गई है और उनके पास जो पैसे थे उनको छीन लिया गया, और उसके बाद पुलिस के द्वारा पीछा भी किया गया है, तो यहाँ तक भागे जाने का ट्रेस हुआ है। अब आगे पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। थाना के कुछ ही दूरी पर ही घटना घटी है सर, इसको किस रूप में देखते हैं? एक्चुअली ये रोहतास और बक्सर जिले का बॉर्डर है और थाना भी उस समय चेकिंग भी लगा के काम कर ही रही थी, लेकिन चूंकि बॉर्डर से जस्ट इन किया है और इन करते ही ये कांड, अपराधी बाइक छोड़ के भी अंजाम, इस कांड को अंजाम दिए हैं, और पुलिस की चौकसी के ही कारण अपराधी बाइक छोड़ के भागे हैं और पुलिस अपराधियों की बाइक को रिकवर कर लिया गया है और आगे भी छापेमारी की जा रही है। अभी लूट का जो अमाउंट है लगभग 4 लाख है, हालांकि अभी एग्जैक्ट अमाउंट वादी के द्वारा बताया जाएगा, लेकिन लगभग 4 लाख के आसपास बताई जा रही है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, बक्सर।